वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो पे। और आज हमारे गेम में आ चुका है भाई BTS का इवेंट। वापस से कैसा आ गया लेकिन अरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आया है तो भाई देखेंगे क्या कुछ है इसमें, निकालने की कोशिश करेंगे। ओ एक रॉयल टाइप का आ, पहला स्पिन होगा 40 का और 10+1 मतलब 11 स्पिन होंगे 400 के, और रिवॉर्ड देखते रहे टोकन है और बाइक हाइक है थोड़े बहुत, तो मतलब ठीक ठाक रिवॉर्ड है। लेकिन ये बंडल नहीं दे रहे भाई, बंडल वाला दिखा रखा लेकिन बाहर से बंडल नहीं दे रहे। चलो कोई ना, देखते हैं यार इसमें रिवॉर्ड क्या क्या है, मतलब स्पिन करके देखते हैं और देखते हैं अपने को क्या कुछ मिलता है भाई, परमानेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। वैसे अपने लक पे भरोसा है कि कभी कुछ परमानेंट नहीं देने वाला है। तो दो इमोट हैं, एक ग्लू वॉल है, एक बाइक है और एक लूट बॉक्स है शायद, और एक टोकन है जिससे हम वो एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, बंडल एक्सचेंज करते हैं। हाँ टॉप में वही है, तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है अपने को। और पहला स्पिन करा भाई, खाली टोकन मिल रखा है, एक टोकन मिल रखा है। दूसरा स्पिन करा, 40-40 का ही कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डायमंड नहीं है। दूसरा टोकन भाई, एक ही टोकन मिल रहा है। अब मैं भाई 198 टोकन है, अभी दो स्पिन और करूँगा लेकिन वो बाद में करूँगा। उससे पहले इसके रिवॉर्ड देख लेते हैं, मतलब टोकन देख लेते हैं। ठीक है, टोकन से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कितने कम टोकन में हमें एक्सचेंज करने में चीज़ें मिल जा रही हैं। तो देखते हैं भाई, टोकन हमें 30 टोकन का मिल रहा है, मतलब एक टोकन जो है वो जिससे हम बंडल एक्सचेंज कर सकते हैं वो 30 टोकन का है, मतलब काफ़ी सस्ता दे रहा है यार। लेकिन मतलब 1100-1200 डायमंड लग जाएंगे 30 टोकन कलेक्ट करने में आपके, जिस हिसाब से मेरे निकले हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बाइक आपको 60 टोकन की मिल जाएगी और ग्लू वॉल 15 टोकन की, मतलब सस्ता है, मतलब उतना सस्ता भी नहीं है। 400-500 डायमंड में आपकी ग्लू वॉल निकल जाएगी। तो मैं तो करूँगा अभी थोड़ी देर में स्पिन करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तो के लिए बाय बाय।